रींगस के लाखनी गांव में रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ब्रिटेन का एक समाचार पत्र है द गार्जियन, उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें बताया कि पाकिस्तान में 20 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया है जिसमें भारत की एजेंसियों का हाथ हो सकता है। समाचार पत्र का क्या स्रोत है ये पता नहीं, लेकिन आतंकवाद एक बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान भारत है। हम केवल आपसी संबोधन में राम राम नहीं बोलते, आतंकियों का राम नाम सत्य भी करते हैं। ये भारत ही कर सकता है, बस फर्क यही है कि हम उसको वहां पहुंचाते हैं जहां पहुंचाना चाहिए और कांग्रेस उनको बिरयानी खिलाती है। योगी आदित्यनाथ ने कहा, बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्ट को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया, इस पवित्र धरती पर कम्युनिस्टों का क्या काम है। दुनिया में मोदी जी के कारण सम्मान हो रहा है, इस सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, कोई देश में घुसेगा तो उसका अंजाम क्या होगा ये सबको पता है। नक्सलवाद समाप्त हो गया, कश्मीर में पत्थरबाजी बंद हो गई, धारा 370 खत्म हो गई। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल समस्या देते हैं, भाजपा समाधान देती है। कांग्रेस ने तो भगवान राम को नकार दिया था। उनका कहना है कि भगवान राम और कृष्ण हुए ही नहीं, ये हमारी आस्था पर प्रहार करते थे, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करते थे। वोट जब गलत पार्टी को जाता था तब आतंकवाद पनपता था, दंगे होते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, लोग असुरक्षित थे। जब वोट सही पार्टी को गया तो उत्तर प्रदेश में लोग दंगा करना ही भूल गए। यहां दंगा और कर्फ्यू नहीं लगा, अब कर्फ्यू नहीं कावड़ यात्रा निकलती है। 22 जनवरी को रामलीला अयोध्या में विराजमान हुए, 2 महीनों में 1.5 करोड़ लोगों ने भगवान राम के दर्शन किए। देश की आस्था को पहले दबाया गया था, देश अब ग्लोबल पावर बन रहा है, अब विकसित भारत बनाना है। इस दौरान सांसद सुमेधानंद सरस्वती, खंडेला विधायक सुभाष मील सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पूर्व सीएम योगी आदित्यनाथ ने लाखनी के माणा बाबा धाम के दर्शन कर पूजा अर्चना की। और 2014 के बाद के भारत को भी देखा है। बहनों और भाइयों, अभी 3 दिन पहले की घटना है, ब्रिटेन का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है द गार्डियन, उसमें उसने एक रिपोर्ट लिखी और उसमें उसने कहा कि पिछले 2 वर्ष के दौरान पाकिस्तान के अंदर दुर्दांत 20 से अधिक ऐसे आतंकवादी चुन चुन करके मार दिए गए और इसमें भारत की खुफिया एजेंसियों का योगदान हो सकता है। द गार्डियन की समाचार के स्रोत क्या हैं? ये वही बता सकते हैं, लेकिन आतंकवाद एक समस्या है और इस समस्या का समाधान कोई है तो भारत है, भारत इसकी समस्या का समाधान दे रहा है। हम केवल आपसी संबोधन में ही राम राम नहीं बोलते, अयोध्या में रामलला कोई विराजमान नहीं करते, आतंकवादियों का राम नाम सत्य है भी करते हैं। सहमत है ना? आतंकवादियों का राम नाम सत्य है, होना चाहिए ना? और ये केवल भारत ही कर सकता है, बस फर्क यही है, फर्क यही है, हम उसको वहां पहुंचाते जहां पहुंचना चाहिए और कांग्रेस के लोग उसको बिरयानी खिलाते थे ना, तो इसीलिए तो। और मैं तो भौचक हूं बहनों और भाइयों, देश बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों को बंगाल की खाड़ी में डुबो दिया है और सीकर शिक्षा की भूमि है,
खाट यहां पर सालासर बालाजी की भूमि है, श्री जीर्ण माता की पावन धरा है, खाटू श्याम बाबा की पावन धरती है, भैरोजी महाराज की धरती है। भैरोजी महाराज होंगे तो नाथों के भी तमाम स्थल यहां पर पहले से मौजूद हैं, और माणा बाबा की भी पावन धरा है। देश की स्वाधीनता के लिए लड़े थे, परम गौ भक्त थे। लड़ते लड़ते सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन आक्रांताओं को तब भी सैकड़ों आक्रांताओं को ढेर करके तब अपनी शहादत को प्राप्त किया। ऐसी पवित्र आत्मा की धरती पे कम्युनिस्टों का क्या काम है? आप देख सकते हैं बंगाल में गायब हो गए, देश के अंदर किसी भी राज्य में नहीं है, और राजस्थान जैसी भक्ति और शक्ति की भूमि पर इन लोगों का काम क्या है? और इसलिए बहनों और भाइयों, जब ये देश आज आगे बढ़ रहा है दुनिया में, मोदी जी के कारण भारत का सम्मान बढ़ा है। पहली बार आप देखेंगे मोदी जी दुनिया के अंदर कहीं जाते हैं पूरा देश झूम उठता है। इस सम्मान केवल मोदी जी का नहीं है, 140 करोड़ भारतवासियों का है। सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आज क्या कोई दुश्मन देश भारत की सीमा में घुसने का दुस्साहस कर पाएगा? क्या घुसने का साहस दुस्साहस करेगा? सिंचाई परियोजना को हर खेत तक पानी पहुंचाना, हर घर नल की योजना, और केवल अयोध्या में रामलला का मंदिर ही नहीं बना है, 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं, 80 करोड़ गरीब फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहा है, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का मुफ्त में कनेक्शन, मुफ्त में लाभ भी दिया जा रहा है, 10 करोड़ गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन, 12 करोड़ किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात, और किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न भी तो मोदी जी ने दिया है।